नेटो और अमरीकी फोर्सेस के इनकलाब के बाद अफगानिस्तान में एक नई जंग छिड़ गई। अफगान तालिबान अलकायदा के साथ मिलकर अफगानिस्तान में मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के मिशन पर चल पड़े हैं। अफगान तालिबान की जानिब से फौजी बेसिस और अहम शहरों पर कब्जा करने के लिए भी हमले किए जा रहे हैं। इस तमाम तर सूरत हाल में अफगान फौज तालिबान के आगे कमज़ोर दिखाई दे रही है, क्योंकि अफगान फौज के पास ज़्यादा असलाह और वसाइल नहीं हैं और उनकी तादाद भी कम है। अफगानिस्तान में अमरीकी फौज के इनखला के बाद जो बढ़ती हुई कशीदगी है उस पर अक़वामे मुत्तहिदा ने भी खबरदार किया है। अक़वामे मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान और अलकायदा के आपस में राबते हैं जिनको वो छुपा रहे हैं और वो मुल्क पर कंट्रोल हासिल करने के लिए मुतहरक हो गए हैं। रिपोर्ट ये कहती है कि तालिबान ने अफगान हुकूमत से अपने मुतालबात मनवाने के लिए पुरतशद्दुद कार्रवाइयों और हमलों में इजाफा कर दिया है। इस वक्त अफगानिस्तान के 50 से 70% इलाकों पर अफगान तालिबान का कंट्रोल है और तालिबान की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। अफगानिस्तान में जन्म लेने वाला ये नया महाज पाकिस्तान के लिए भी नाज़रीन खतरनाक साबित हो सकता है। अगर तालिबान वहाँ पर बेकाबू हो गए तो पाकिस्तान की तरफ भी रुख कर सकते हैं, जो कि पाकिस्तान के अमन के लिए भी खदशात पैदा कर सकता है। इस वक्त तालिबान को लगाम डालना, उनको कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अफगानिस्तान में अगर जंग छिड़ गई तो अफगानिस्तान से लोग फिर ज़ाहिर नकल मकानी करेंगे, वो पाकिस्तान भी आ सकते हैं और ज़ाहिर इसका जो सारा असर है वो खत्ते के दीगर ममालिक पर ही पड़ सकता है। तो ये तमाम तरह पाकिस्तान का किरदार बिल्कुल इसमें जो है वो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता जो पाकिस्तान ने अब तक इस पर काम किया, लेकिन ज़ाहिर पाकिस्तान भी अपने खदशात का इजहार कर रहा है। ज़ाहिर इन तमाम तरह खदशात के बावजूद अफगान हुकूमत का किरदार बड़ा अहम है। फैसल साहब, अफगान हुकूमत को पहले भी राज़ी करने की कोशिश की गई थी, अमरीका ने दबाव डाला कि भाई आपके पास कोई और तरीक़ेकार नहीं है, आपको एक इश्तराक करना होगा तालिबान के साथ और ऐसी हुकूमत आप जो है वो बना सकते हैं, और शायद अफगान हुकूमत को ये लगा कि अब नई अमरीकी हुकूमत आएगी तो शायद कुछ और राह निकल आए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आपको क्या लग रहा है, कहाँ तक जा रहे हैं ये मामलात? देखिए, जो सूरत हाल अफगानिस्तान में है और अमेरिका के निकलने के बाद होगी, उसका सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान को तो नुकसान होगा ही होगा जो इस वक्त के हालात हैं, लेकिन पाकिस्तान को भी होगा। हम किस हद तक इसको संभाल सकते हैं? हम एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं चाइना के साथ मिलकर, जिसका हामी नहीं है अमेरिका और मुसलसल मुखालफत करता है सी पैक की, और पाकिस्तान जिस तरह से वो लेकर चल रहा है, अगर सूरत हाल अफगानिस्तान में ख़राब होती और दोबारा अफगान महाजरीन ऐसी कैफियत के अंदर पाकिस्तान में दाखिल होते हैं जो पाकिस्तान ने भुगता है, 40 लाख अफगान महाजरीन को पाकिस्तान में रखकर, और जो अब सूरत हाल हुई है ड्रग कल्चर, क्लाशनकोफ कल्चर, क्राइम, और उनको हम संभाल नहीं पाए, ऐसे सूरत हाल के अंदर हम संभलेंगे कैसे और इसका बेनिफिट कौन लेगा अगर फर्ज करेंगे सब कुछ होता? और जिस तेज़ी से अमरीका निकलने की कोशिश कर रहा है, अगर मैं सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तानी लोगों के लिए और हुकूमत के लिए और पाकिस्तान आर्मी के एंगल से देखूं, तो सबसे बड़ा नुकसान हमें ये हो सकता है कि सीपैक को कोई नुकसान हो जाए, रुक जाए, स्लो हो जाए और स्लो हो जाए, ये परेशानियां खड़ी हों। दूसरा मामला ये है कि तालिबान के साथ आप जितने भी सॉफ्ट हों, जितने भी आपके ताल्लुकात बेहतर हों, आप ये मुहायदा कराने में कैसे कामयाब हो सकते हैं कि अशरफ गनी और ये मिलकर हुकूमत चला लें? क्योंकि जब अमरीका निकल जाएगा तो उसका इंटरेस्ट कम हो जाएगा, फिर कौन लीडर होगा जो उसको बिठाएगा? वो चीन की बात मानेंगे, वो टर्की की बात मानेंगे, वो सऊदी अरब की बात मानेंगे, वो कतर की बात मानेंगे, वो पाकिस्तान की बात मानेंगे, फिर एक साजिश मुसलसल चल रही है हिंदुस्तान की जो इतने बड़े पैमाने पर कॉन्सुलेट्स के साथ वहां पे काम कर रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा है, ऐसी कैफियत के अंदर कैसे हम रिजल्ट लेंगे? और तीसरी अहम बात कि अफगान फौज के पास असला नहीं है, कम है, तालिबान के पास ज्यादा है और वह मुकाबला कर रहे हैं अमरीकी फौज का भी और उनका भी। पेचीदगियां हैं, बड़ी पेचीदगियां हैं, हमें तो खाली अपनी चीजों को संभालने की जरूरत है। कोई भी हुकूमत आए, हम किसी से मुकाबला ना करें, अपने आप को सेफ करें, अपने बॉर्डर को सेफ करें। अगर महाजरीन भी आए तो उनको किसी ब्लॉक में रखें, पूरे पाकिस्तान में फैलने न दें। सही, अगला जो अमेरिका का है वो चीन के साथ है, लेकिन पाकिस्तान अपना मौके वाज़ह कर चुका है, वो कहता है अफगानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान और चीन के साथ जो है मामला बेहतर हो सकेंगे। पाकिस्तान अपने खदशात का इजहार बारहा कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं? पाकिस्तान जो कुछ कर सकता था वो उसने करा है, लेकिन अब अपने आप को बचाने के लिए, अपने खत्ते में अमन कायम करने के लिए क्या इकदाम पाकिस्तान कर सकता है, क्या इस तरह की डायलॉग कर सकता है? फैसल साहब, जब पाकिस्तान हर तरह की मदद फराहम कर सकता है तो अपने खत्ते को महफूज रखने के लिए पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं, जिन ऑप्शन पर पाकिस्तान बात कर सकता है? देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान का इस वक्त का स्टांस है कि आप पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है। इमरान खान साहब एक बार नहीं कई बार कह चुके हैं कि हम किसी की जंग नहीं लड़ेंगे,
हम किसी की जंग को अपने मुल्क में लेकर नहीं आएंगे। ये बहुत क्लियर किस्म की पॉलिसी रही है। आर्मी चीफ बहुत खुलकर इस तरह की बातें कहते रहे और बहुत मोहताज किस्म की मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की एक अच्छी रिलेशनशिप चल रही है, जिसके अंदर पाकिस्तान का बिल्कुल क्लियर स्टांस है कि हम इस सारे मरहले से बाहर निकलना चाहते हैं। 70,000 जानों की कुर्बानी पाकिस्तानियों ने दी है, इसमें सिविलियन भी हैं, फौजी भी हैं। मईशत को नुकसान हुआ, 110 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान को वो सब कुछ नहीं मिला जो पाकिस्तान ने किया, अमरीका ने वो डिलीवर नहीं किया जो पाकिस्तान ने किया। तो पाकिस्तान एक पुरअमन इन्वायरमेंट के अंदर इस फेस से निकल के खुशहाली की तरफ बढ़ रहा है। फौज की लीडरशिप यही कर रही है, पाकिस्तान की हुकूमत भी यही कर रही है। और मजे की बात यह कि पाकिस्तान की जो जमहूरी ताकतें हैं और पार्टी है, वो दोनों मिलिट्री और सिविल के इस पॉइंट के साथ हैं और कौम भी साथ है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान को करना क्या चाहिए? अमरीका ने अगर पाकिस्तान को इस्तेमाल करना है किसी भी सतह पर, तो पाकिस्तान के पास बार्गेनिंग पावर जरूर होनी चाहिए। पाकिस्तान को डिमांड्स रखनी चाहिए, किस हद तक रख सकते हैं, किस हद तक मनवा सकते हैं, किस हद तक पिछला फंड और इमदाद बहाल करवा सकते हैं, किस हद तक पिछले बिल्स के ऊपर या आइंदा वाले प्रोजेक्ट पे कर सकते हैं। ये बार बार जो वहां के स्टेटमेंट आते हैं सीपेक के खिलाफ, अमेरिकन स्टेटमेंट आते हैं, विदाउट पैकेज आ रहे हैं ना, कोई ऐसी चीज तो दें जो चाइना हमारे साथ कर रहा है, चाइना जो हमारे मुल्क में तरक्की कर रहा है, चाइना को जो बेनिफिट हमारे रूट के हिसाब से मिल रहा है जिससे पाकिस्तान में खुशहाली आ रही है, तरफा है ना, कोई ऐसी चीज करें। और मेरा अपना जाती ख्याल यह है कि जितना पाकिस्तान ने दिया है अमरीका को, अमरीका उसका 10% भी नहीं दे सका है। अब लीडरशिप ऐसी है जिसमें हम कहें कि इमरान खान साहब हो या हमारे आर्मी चीफ हो, दोनों साइड पर एक हम आहंगी है, तो कोई सॉलिड किस्म की बात हो, कोई ऐसी चीज हो जिससे कुछ मिले। हम हाँ किसी की जंग में जाना कोई फायदा नहीं है, और अपने आप को सेफ करना प्रायोरिटी होनी चाहिए अमन के लिए, खुशहाली के लिए। बिल्कुल आसिफ साहब, पाकिस्तान अमरीका से क्या ले सकता है या अमरीका पाकिस्तान को क्या दे सकता है? कुर्बानी का बकरा बनना ही है पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ मदद करनी है। यहाँ पर तो बहुत सारी बातें होती हैं कि जी अड्डे भी फराम करने की बातें की जा रही हैं कि पाकिस्तान अमरीका को अड्डे भी फराम कर रहा है, लेकिन हम बहुत कुछ दे चुके हैं, दे भी रहे हैं, लेकिन क्या ले सकते हैं अमरीका से पाकिस्तान? मेरे ख्याल में ये लेन देन का जो मामला है ना, अब ये पुराना हो गया, और अब जो है जिस तरह का जो ट्रस्ट डेफिसिट डेवलप हुआ है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान, खासकर जब से इंडिया और अमेरिका का स्ट्रेटेजिक डायलॉग जो है वो कामयाबी की तरफ गया है, तो इसलिए अमेरिका पे पाकिस्तान का ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, एक नॉर्मल रिलेशनशिप की तरफ जाएंगे जिसमें इकोनॉमिक कॉन्टेंट ज्यादा होगा, तो इसलिए जो है मेरा नहीं ख्याल कि अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान वुड बी बिडिंग फॉर, ऐसा नहीं होगा। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान की जो अब रीजनल अप्रोच है वो एवॉल्व हो रही है और काफी हद तक इसमें कामयाबी है। यही वजह है कि अफगानिस्तान की जो इमीडिएट नेबर्स हैं उसमें ईरान, चाइना, रशिया इमीडिएट तो नहीं है लेकिन उसमें जो है तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, उनकी जो सिक्योरिटी है उसकी गारंटी रशिया देता है, तो इस लिहाज से रशिया की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। वो जो है नंबर वन, वो अमेरिकन फोर्सेस का इनखला चाहते थे, जो हो गया, जो हो रहा है, और इस लिहाज से वो तो उसमें ये है कि पाकिस्तान अमरीकियों के लिए बेसिस वाली बात होगी, मेरे ख्याल में पाकिस्तान बेस नहीं देगा, उसका एक मैं वो रीजन आपको बता चुका हूँ कि जो है जो ट्रस्ट डेफिसिट है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान जो है इस खिते के अंदर जो इस वक्त जो वो है मूड है वो यही है कि अफगानिस्तान को पीस और की तरफ जाना चाहिए। वो उसी वक्त मुमकिन है कि जब अफगानिस्तान के इमीडिएट नेबर्स जो हैं उनके दरमियान जो है वो एक पेज पे हों और वो जो है ऐसी किसी भी ताकतों को इजाजत ना दें जो वहां पे जो है डिस्टेबलाइजिंग रोल अदा करें, और इसलिए ये एक नई एवॉल्विंग सिचुएशन है खिते के अंदर, और ये खुशाइन बात है। उम्मीद है कि ये इसमें आगे पेशरफ होगी।